खुद से डायरेक्शन है उसमें हमें ये खास करके जो डे टू डे एक्सीडेंट हो रहे हैं उनकी निस्बत ही ये हमें पर्टिकुलर जो है ये डायरेक्शन मिली है, इसलिए हम ये नाका लगाया है यहाँ पे। लोग अक्सर जो है एक्सीडेंट होते हैं टू व्हीलर्स के और जो खास करके जो पैसेंजर गाड़ियाँ हैं उनके जो एक्सीडेंट होते हैं, आम लोग जो हैं उनको काफ़ी परेशानी आती है, लोगों को चोटें आती हैं या कोई दीगर किसी किस्म की उनको दुश्वारी आ जाती है बहुत बड़ी। इसलिए हम चाहते हैं कि लोग जो हैं वो ट्रैफिक जो रूल्स हैं उनको ओबे करें, सीट बेल्ट वगैरह लगाएं और जो टू व्हीलर्स वाले हैं वो सभी जो है हेलमेट लगा के चलें, ठीक है। पेरेंट्स से कोई मैसेज रहेगा? हाँ, हम चाहते हैं कि पेरेंट्स जो है वो बच्चों को जब भी घर से निकलें उनको वो मुतमिन करें इस चीज़ की कि उन्होंने हेलमेट लगाई है, ठीक है, वो मुतमिन हो जाएं कि बच्चों ने हेलमेट लगाई है। और उनको एक ये डर पैदा करें, पेरेंट्स उनको बताएं कि यार जब भी आप कहीं बाहर जाते हैं तो आप हेलमेट लगा के जाएं, नहीं तो आपको ट्रैफिक वाले चालान करेंगे। एक उनमें डर पैदा करें इसलिए कि उनकी उसमें सेफ्टी बनी रहे। पेरेंट्स जो करते हैं वो भी रिस्क लेते हैं, मैं कहता हूँ उन लोगों ने एक अपना ये बनाया हुआ है, अपने आप को वो लाना चाहते हैं मेन स्ट्रीम में, जैसे आजकल लाइक्स वगैरह का सिस्टम है। मैं कहता हूँ उनको भी जो सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं वो सारे लेने चाहिए, अगर वो अपने काम में परफेक्ट हैं तो करें, नहीं है तो नहीं करना चाहिए ये बाइक स्टंट्स वगैरह, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है। अगर कहीं कोई फ्रैक्चर आ जाता है, टांग टूट जाती है, बाजू टूट जाती है, वो टोटल डिफॉर्म हो जाती है बॉडी उसकी।